आप सबको माँ शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। हेलो फ्रॉम मी ना दीदी। और अभी हम जा रहे हैं शूलिनी मेले में। आज पहला दिन है मेले का और मेघना दी वगैरह भी काफ़ी दिनों से आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो घूम लेते हैं सब लोगों को मौका मिल गया घूमने का। और ये रहा मशरूम चौक, जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक होता है, आज यहाँ पर लोगों का क्राउड है। और सबसे पहले हम गए फर्स्ट क्राई, क्योंकि कल है गौरा के पापा का शो यहाँ पर, तो हमने सोचा गौरा के लिए एक अच्छी सी ड्रेस परचेज़ करते हैं। भाई यहाँ पर इन्होंने गौरा को ये ड्रेस दी, गौरा ने इसको छोड़ा ही नहीं, शायद इसको भी ये पसंद आई, तो हमने ये भी एक परचेज़ कर ली। एक दो चीज़ें हमने और ली गौरा के लिए यहाँ से, और उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट की तरफ। मार्केट का क्राउड तो आप देख ही सकते हो कैसा है। अंकल यहाँ पर बबल्स उड़ा रहे थे, गौरन को देख के बहुत खुश हो गई थी, तो हम यही खड़े हो गए। अभी मेघना दी गए अपना पैकेट रखने जो हमने सामान लिया था, उसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ। और हर जगह पे भंडारे लगे हुए थे आज, और माता की झांकी निकलने वाली थी, तो इसलिए हम झांकी देखने जा रहे थे। जगह जगह पर भंडारे लगे हुए थे, तो हमने भी यहाँ से पानी ले लिया, क्योंकि पानी, आइसक्रीम, हर एक चीज़ यहाँ पर दी जा रही थी आज के दिन, मतलब 3 दिन चलेगा ये। और हमने यहाँ पर पानी ले लिया, क्योंकि गर्मी भी थी और प्यास भी लग रही थी, तो हमने पानी पी लिया। उसके बाद चले हम आगे की तरफ। कौन कौन शूलिनी मेले का इंतज़ार कर रहा था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गौरा को दिखा मेरे हाथ में पानी की बॉटल का ढक्कन, और वो उसको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब भी घर पर होती है तो पानी 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 पानी, जहाँ पर उसको पानी दिख जाए वहाँ पर वो परेशान सी हो जाती है जब तक उसको ना मिले। तो हमने भी उसको पानी पिला लिया, और उसने खाली बॉटल भी छोड़ी ही नहीं। यहाँ पर थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और मेघना दी बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश होकर मेरे को बुला रही थी कि आजा तू भी ले ले, कल को तेरे काम आएगी। पता नहीं उसको इतनी ज़्यादा खुशी किस बात की हो रही थी। तो हमने ये यहाँ पर देखा, एंजॉय किया, खूब हंसे, और उसके बाद आगे की तरफ चल पड़े। अभी हम जा रहे हैं ओल्ड बस स्टैंड की साइड को। हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, माता की पालकी आने वाली है, जहाँ की मतलब जो हम वहाँ पर पहुँचे थे तो मंदिर से तो निकल चुकी थी, और यहाँ से इंटरनल मार्केट से होके ओल्ड बस स्टैंड पहुँचेगी, तो काफ़ी सारे लोग दर्शन के लिए यहाँ पर रुके थे। अब चल पड़े हम वापस, क्योंकि झांकी आने में थोड़ा सा टाइम था, और गौरा भी थोड़ी थोड़ी सी परेशान होना शुरू हो चुकी थी, उसको शायद नींद आ रही थी, और मैं उसको बोल रही थी कि गौरा आजा मासी के कंधे पर सो जा, और देखो ये कैसे सोई है, क्योंकि इसको थोड़ा सा थकान और दूध पीने की इसको आई है, और इसलिए हम वापस चल पड़े हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना शुरू हो चुकी थी, इतना सारा क्राउड था, इतना सारा क्राउड था, और मैं यहाँ पर बोल रही थी कि हमने ही सिर्फ अम्ब्रेला खोला है। यहाँ पर गौरा को दिखे चश्मे, और उसने भी एक उठा लिया और पहन लिया, ये बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। पता नहीं इसको एकदम से क्या हुआ, इसने चश्मा पहना और यहाँ पर डांस करने लगी, खूब सारा एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा एंजॉय गौरा ने यहाँ पर किया। क्राउड में भी जब इसको थोड़े थोड़े धक्के लग रहे थे, हम तो डर रहे थे कि हम इतने क्राउड में लेके क्यों जा रहे, बट ये हर चीज़ का पूरा पूरा एंजॉय ले रही थी, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इसने।
रूम की साइड जाते जाते यहाँ पर कुछ चीजें थी लगी हुई जो हम देखते देखते जा रहे थे और पूछते पूछते जा रहे थे हर एक चीज का प्राइस और वगैरह वगैरह जो भी होता है, बेडशीट्स, कम्फर्ट, बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी सी चीजें यहाँ पर लगी हुई थी और हम पूछ रहे थे। और मेघना दीदी यहाँ पर कुछ लेने का भी सोच रही थी और जब तक वो लेती है तब तक मैं गौरा को देख रही थी क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी यहाँ पर, और मैं उसको दिखा रही थी बंदर, चिड़िया, इस तरह से मैं उसको एंटरटेन कर रही थी। बच्चों को एंटरटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद दिलाया हमने गौरा को एक बलून और वो उसको देख के इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी और उसको यहाँ से ले जाना बहुत ज़्यादा टफ हमको हो रहा था। जैसे मेघना दीदी ने उसको उठाया तो वो एकदम से रोने लग पड़ी, तो हम उसको जैसे ना कैसे मना मनु के घर ले गए और साथ में वीडियो का एंड भी किया। नए व्लॉग में मिलेंगे आप, तब तक के लिए बाय बाय।